क्या भारत में कोरोना से और तबाही होना अभी बाकी है? क्या कोरोना का सबसे खतरनाक रूप अभी तक सामने नहीं आया है? जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। इस वीडियो में हम देश में कोरोना संकट के संभावित खतरों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील। अंबेडकर वादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने फोन पर मुझसे कहा कि भारत में इतनी आबादी है कि रोज कोरोना से 1 लाख लोग मरते हैं, तब भी साल में सिर्फ 3,65,00,000 लोग ही मारे जाएंगे और भारत में कुछ आबादी भी कम हो जाएगी। ऐसा लगता है कि भारत के हुक्मरान भी कुछ इसी तरह सोच रहे हैं, क्योंकि भारत में कोरोना महामारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में उससे जबरदस्त तबाही हो सकती है। जिस कम्युनिटी स्प्रेड की बात हम बीते कई महीनों से कर रहे थे, भारत में अब वो शुरू हो गया है। भारत में पिछले 3 दिनों से लगातार रोज कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। covid19india.org के आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई को 32,607 मामले सामने आए, 16 जुलाई को 35,468, 17 जुलाई को 34,820 और 18 जुलाई को 37,407 केस पॉजिटिव आए हैं। यानी सिर्फ 4 दिन में 1,40,302 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। भारत में पहला पॉजिटिव केस 30 जनवरी को सामने आया था, लेकिन महज 110 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 से बढ़कर 10 लाख हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि अब भारत में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर VK मोंगा का कहना है कि हर दिन देश में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही बुरे हालात हैं। अब ये संक्रमण ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगा है, जिसका मतलब है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इस समय भारत में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 10,77,719 है। कुल एक्टिव केस 3,72,849 हैं, जबकि 6,77,642 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारत सरकार और भारतीय मीडिया बार बार डेथ रेट यानी कोरोना से होने वाली मौतों की कम संख्या को किसी उपलब्धि की तरह पेश करते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में जितने लोगों की मौत हुई है वो डराने वाला है। 18 जुलाई को महज 24 घंटे में 671 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। 17 जुलाई को 676 लोगों ने दम तोड़ा, तो वहीं 16 जुलाई को 680 लोग कोरोना के सामने हार गए। 15 जुलाई को भी 614 लोगों की मौत हो गई। पिछले 8 दिन से रोजाना 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत में अब तक कुल 26,828 लोग दम तोड़ चुके हैं। सरकार और मीडिया के लिए ये मौत आंकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। असल नुकसान तो उन लोगों का है जिनकी इनमें मौत हो रही है और उनके परिवार बिखर रहे हैं। 1 मार्च को भारत दुनिया में कोरोना के मामले में 38वें नंबर पर था, जबकि 17 जुलाई को 10 लाख कोरोना केस आने के साथ ही भारत दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया। सरकार चाहे तो इसे अपनी उपलब्धि बता सकती है कि कैसे हम कोरोना मामलों में जल्दी पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भारत में कोरोना विस्फोट हो सकता है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधार्थियों ने कोरोना पर एक गणितीय मॉडल पेश किया है। IIS के शोधार्थियों के मुताबिक जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर अगले साल जनवरी तक भारत में मरीजों की संख्या करीब 3 करोड़ होने की आशंका है। अनुमान के मुताबिक इस साल सितंबर तक देश में मरीजों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच जाएगी। लेकिन इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जितने उपाय किए जाने चाहिए थे, उतने किए नहीं जा रहे। जब 1,000 केस थे तो लॉकडाउन कर दिया गया, और जब 1 लाख केस हो गए तो लॉकडाउन को खोल दिया गया। लॉकडाउन के समय को तैयारियों के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन हमने थाली बजाकर और दिए जलाकर कोरोना को हराने का टोटका किया। लॉकडाउन ने कुछ समय के लिए मुसीबत को तो टाल दिया, लेकिन इंतजाम ना होने के कारण सब किए धरे पर पानी फिर गया। अस्पतालों में बुरा हाल है, ना दवाई है और ना ही बेड।
वेंटिलेटर्स की भी भारी किल्लत है। कोरोना के साथ साथ बदहाली से भी लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकारें चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, सावधान रहें और संक्रमित होने से बचे रहें, क्योंकि हालात क्या हैं आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम।